शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां लैंडमाइन की चपेट में आया जवान शहीद हो गया है। हालांकि ये खबर मिलने के बाद सहारनपुर में गम का माहौल है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए निशांत शर्मा, वो शारदा नगर मोहल्ले के रहने वाले थे। सहारनपुर के पेट्रोलिंग के दौरान लैंडमाइन की चपेट में आ गए थे। सोमवार से जम्मू के आर्मी अस्पताल में उन्हें भर्ती करके इलाज किया जा रहा था और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंडमाइन की चपेट में आए थे निशांत शर्मा, पेट्रोलिंग के दौरान लैंडमाइन की चपेट में आ गए थे। उनकी हालत गंभीर थी, उन्हें जम्मू के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस वक्त ये सूचना मिल रही है कि निशांत शहीद हो गए हैं। इसके बाद परिजनों में शोक की लहर है। नीना जैन हमारी संवाददाता सहारनपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीना, क्या सूचना इस वक्त मिल रही है, आर्मी की तरफ से बताया गया है निशांत शर्मा शहीद हुए हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 वर्षीय निशांत शर्मा जो कि जम्मू में तैनात है, लैंड माइनिंग के दौरान वो हादसे का शिकार हो गए और गंभीर रूप से घायल थे। जम्मू हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और आज उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। और अब उनके परिजनों को जैसे ही ये सूचना मिली है तो सभी में शोक की लहर है और अभी ये आर्मी से सूचना मिलेगी कि उनका शव कब लाया जाएगा। संभवतः कल सुबह तक उनका शव यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीना आपका इस जानकारी के लिए।